Hello friends, welcome to a new video on ArcGIS. Myself Samay and you are watching Tech Info Hub channel. तो फ्रेंड्स हम ArcGIS के बहुत सारे एडवांस वीडियो पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग पेशेंस रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और स्टे ट्यून रहे। हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आने वाले हैं। उसके अलावा और भी जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो टूल्स है, जैसे QGIS है, उस पर भी हम बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं। तो जितने भी सॉफ्टवेयर है सिविल इंजीनियर के, उसके बहुत सारे वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून रहे। तो आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो जियो रेफरेंसिंग पे है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से दो इमेज को आपस में जियो रेफरेंस किया जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इसमें इमेज एड करवा लेता हूँ। सो आई एम गोइंग टू एड दी टू इमेजेस। तो ये दिखा रहा है कि अननोन स्पेशल रेफरेंस। तो कोई स्पेशल रेफरेंस नहीं है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पे नहीं है, ऐसे रैंडम इमेज है। तो आप इसमें देख रहे हो कि जो ऊपर वाली इमेज है, ये जो इमेज है, ये एक किसी जो जूलॉजिकल गार्डन है उसके अंदर एक जो बोर्ड लगा है जिसपे मैप है, उसकी फोटो मोबाइल से खींची गई। आप जिसमें देख सकते हो पीछे का बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, तो एक मोबाइल से खींची हुई फोटो है। तो इसमें हो सकता है ये टू द स्केल ड्राइंग नहीं होगी, और उसके बावजूद अगर होगी भी तो ये जो फोटो से जो फोटो से आपको दिख रही है, मतलब मोबाइल से खींची गई फोटो है। तो इसमें क्या है, अगर ये मोबाइल से खींची है तो इसमें किस एंगल से खींची है, तो बहुत सारी इनएक्यूरेसी होगी इसमें, तो ये एक्यूरेट नहीं है। फिर भी हम इसको ट्राई करते हैं कि किस तरह से जियो रेफरेंस किया जाए। तो इस तरह से मोबाइल से खींची हुई फोटो हो सकती है, या फिर किसी मैप की जेपेग या पीडीएफ फाइल हो सकती है, या आपकी सेटेलाइट इमेज हो सकती है हाई रेजोल्यूशन। उसके अलावा आपकी गूगल अर्थ की जो है वो ड्राइंग हो सकती है, गूगल अर्थ की सीट हो सकती है। और उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको गूगल अर्थ से किस तरह से इमेज आपको सेव करनी है, वो अगर आपको सीखना है, तो उसका वीडियो की लिंक मैं ऊपर आई सेक्शन में दे रहा हूँ। आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, जिसमें आपको पता चल जाएगा, आप सीख सकते हो कि किस तरह से आप गूगल अर्थ की इमेज एक पर्टिकुलर एरिया की सेव कर सकते हो। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और इसमें एक जियो रेफरेंसिंग है वो टूल आपको यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। तो आप ऑन कर लीजिए, तो ये आ गया जियो रेफरेंसिंग के यहाँ पे टूल आ गया। उसके अलावा एक इफेक्ट का टूल है, उसको भी आप ऑन कर लीजिए, उसको भी ऑन कर लीजिए। तो अब देखिए आप जियो रेफरेंसिंग किस पे हो रही है। ये है जूलॉजिकल गार्डन की जो है गूगल इमेज है ये, ठीक है, ये इसी की गूगल इमेज है, और ये जो है मोबाइल से ली गई फोटो है। तो इसको अभी जियो रेफरेंसिंग किस पे हो रही है, तो जियो रेफरेंसिंग इसी को करना है, ऊपर वाली इमेज को। तो ये टूल कैसे काम आता है, तो ये टूल से आप जैसे ये है, आप यहाँ पे क्लिक करके स्वाइप करके आप देख सकते हो कि इमेज जो है वो सुपर इम्पोज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसको आप इस तरह से आप इसको देख सकते हो कि सुपर इम्पोज हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके अलावा ये जो जियो रेफरेंसिंग के टूल है, तो इसमें आपको इस पे क्लिक करना है, एड कंट्रोल पॉइंट। तो पहले मैं इस पे कंट्रोल पॉइंट एड करता हूँ। आपको ये जो दिख रहा है, जो रनवे है, ये हेलीपैड है, इसके मैं सेंटर पे यहाँ क्लिक करता हूँ, और इसके बाद मैं दूसरी इस इमेज को ऑफ करके इस इमेज में आइडेंटिफाई करता हूँ कि वो पॉइंट कहाँ पे है। तो ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके सेंटर पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं वापस इमेज को ऑन करता हूँ, और अब आपको दिखाता हूँ मैं इसको कि ये पॉइंट वहाँ पे चला गया है। अब आप इसको ये टूल यूज़ कीजिए, स्वाइप वाला टूल यूज़ करके आप देख सकते हो। ये पॉइंट यहीं पे आ गया है। इसके अलावा अगर आपको इसको एक्यूरेट और एक्यूरेट करना है, तो आपको बहुत सारे पॉइंट रखने पड़ेंगे, और वो पॉइंट भी आपको
वेल डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, यानी कि लीनियर कोलिनियर नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक ही लाइन पे ऐसे पॉइंट हो, आपका पॉइंट एक यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, मतलब वेल डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे कि इमेज चाहे किसी एंगल से ली गई हो, उसको स्ट्रेच करके, स्केलिंग करके उसको सुपर इम्पोज गेज कर देगा। तो अपन ट्राई करते हैं, अपन एक पॉइंट ये ले लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट ले लेते हैं, और इसके बाद इस इमेज को ऑफ करते हैं, और ये पॉइंट है यहाँ पे। इसी तरह से फिर से इस इमेज को ऑन करते हैं, और एक पॉइंट जो है वो यहाँ गेट का ले लेते हैं, और ये जो गूगल इमेज है इस पे ये गेट यहाँ पे है। उसके अलावा इसका एक पॉइंट और ले लेते हैं, यहाँ पे जो ये रोड दिख रही है इसका ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पे, और ये पॉइंट यहाँ पे इमेज पे आपको दिखेगा। अब पॉइंट इमेज पे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, पॉइंट को मैं स्किप करता हूँ। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल आइडेंटिफाई अगर हो रहा है तो इसको करने की ट्राई करते हैं। मतलब एक पॉइंट यहाँ इसके सेंटर का ले सकते हैं, तो वापिस इस टूल पे क्लिक करा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करना है, इस इमेज को ऑफ करना है, लेयर को ऑफ करके और इसको सेंटर पे क्लिक कर देना है। तो अब देखते हैं इस टूल को यूज करके, अब देख रहे हो कि इमेज ऑटोमेटिक रोटेट हो गई है। तो आप देख रहे हो गेट से गेट मैच हो रहा है। तो और ये पॉइंट भी लगभग यहां से मैच हो रहा है, हेलीपैड का भी लगभग लगभग मैच कर रहा है ये, और आप ये रोड देख पा रहे हो यहाँ से, हेलीपैड के ऊपर जो रोड जा रही है आप देख रहे हो कि ये देखो मैच हो रही है रोड जो गेट तक जा रही है। और उसके अलावा ये जो ये पॉइंट था, ये पॉइंट भी काफी कुछ मैच हो रही है, उसके ऊपर की जो रोड है वो भी मैच हो रही है। तो और इधर आप देख सकते हो ये पॉइंट मैच हो रहा है। के अलावा एक पॉइंट अपन ये और ले सकते हैं, इसका सेंटर पॉइंट ले सकते हैं, और ये जो है ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे है। चेक करके देखते हैं इसको, तो आप देख रहे हो ये इससे मैच कर रहा है, ये बाउंड्री भी लगभग मैच कर रही है इससे। तो
और ये जो ऊपर का एरिया है ये भी काफी कुछ मैच कर रहा है। एक पॉइंट यहाँ का सेलेक्ट करते हैं। और ये जो पॉइंट है ये इसमें यहाँ का पॉइंट है। तो आप देख रहे हो ये बाउंड्री भी हम मैच कर रही है, गेट मैच कर रहा है, ये रोड मैच कर रही है, और ये हेलीपैड भी लगभग लगभग मैच कर रहा है, और यहाँ पे ये भी मैच कर रहा है। उसके अलावा आप इसकी जो कंपाउंड वॉल है वो भी देख सकते हो कि ये नाले के आसपास यहाँ मैच करती हुई जा रही है, लगभग लगभग मैच कर रही है। ये मैच एग्जैक्ट नहीं करेगी क्योंकि ये मोबाइल से लिया गया फोटो है, इसलिए एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको जियो रेफरेंस करके दिखाऊंगा कि अपने पास अगर जीटी सीट है या कोई ऐसी ड्राइंग है जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये इमेज टू इमेज सुपर इम्पोज करवाया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको एक्चुअल कोऑर्डिनेट पे जियो रेफरेंस करना है किसी इमेज को जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें कोऑर्डिनेट है। आप इसको भी कर सकते हो अगर आप इसके कोऑर्डिनेट आपके पास हैं, जैसे ये गूगल इमेज है, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास है, इसके चार पॉइंट के, यहाँ के चार कॉर्नर्स के भी आपके पास अगर इसके कोऑर्डिनेट है तो उसको भी आप जियो रेफरेंस कर सकते हो। तो ये वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो है उसको आप जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। उसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप चैनल के साथ बने रहें और लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या कुछ और आपको सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।